लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के एमपी आने का सिलसिला जारी है, जहां दमोह जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधा है, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दमोह आए पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी जी से पिछली यात्रा में 5 सवाल पूछे जो पीएम मोदी नहीं बता पाए हैं। रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर उन्होंने जो सपने दिखाए, जो बातें बताई, वह वहीं क्यों खड़ी है। मोदी जी से बार बार मैंने 5 सवाल पिछली 2 बार की यात्रा में उनसे पूछे थे, तो मोदी जी नहीं बता पाए कि 2023 में उन्होंने जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ। जब मोदी जी भाषण करते हैं तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अभी जस्ट जब वो ये गारंटियों की बात, गेहूं के दाम, अनाज के दाम सब करके गए, तो क्या कारण है कि आज तक नहीं मिले। मेरा मानना है कि मोदी जी को ये बताना पड़ेगा इस देश को कि जो रोजगार को लेके उनने सपने दिखाए थे, जो महंगाई घटाने को लेके सपने दिखाए थे, जो आर्थिक करप्शन को लेके देश को नई बातें बताई थी, जो 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 इस देश की आर्थिक असमानता, वो गरीबी दूर करने की बातें की थी, वो वहीं क्यों खड़ी है और उसके लिए दोषी कौन है और 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दमोह जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।